फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं घाना कंट्री के बारे में। घाना पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसके आधिकारिक नाम घाना गणराज्य है। यह एंटार्कटिक सागर और गिनी की खाड़ी के साथ स्थित है। इसकी कुल आबादी 27,41,00,000 है। देश के एकमात्र राष्ट्रपति संवैधानिक लोकतंत्र सरकार का प्रकार है। देश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसकी राजधानी शहर अकारा है, जिसकी आबादी 2,27,00,000 है। अकारा देश का सबसे बड़ा शहर भी है। घाना में दुनिया की 45वीं सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश माना जाता है। घाना की GDP 37.96 बिलियन डॉलर है। 2016 के अनुमान के अनुसार प्रति पूंजी GDP 4,400 डॉलर है। सेवाएं घाना के घरेलू उत्पादन 56.4% है। कृषि देश की GDP का 19.5% हिस्सा बनती है। घाना को पहली बार 1470 में पुर्तगीजी व्यापारी द्वारा देखा गया। घाना ने 1957 में उपनिवेशवाद के अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और ऐसा करने वाला उपसागर अफ्रीका का पहला देश था। 2007 में घाना के तट पर तेल की खोज की गई थी। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील घाना में पाई जाती है। जिस झील बोल्टा देश के कुल क्षेत्रफल का 3.6% है। घाना में बच्चे 4 साल की उम्र में 2 साल के लिए बालवाड़ी में भाग लेते हैं। बालवाड़ी के बाद बच्चे 6 साल की अवधि के लिए स्कूल जाते हैं। सोना, तेल और कोको ने देश को आर्थिक उछाल दिया। देश ने 2016 में 90 मैट्रिक टन सोने का उत्पादन किया, जिसका अर्थ है कि दुनिया में 11वें नंबर पर स्थान है। घाना दुनिया के कोको बीन्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उज्ज्वल और रंगीन कांटे का कपड़ा पारंपरिक रूप से घाना वासियों द्वारा पहना जाता है। उत्तर में पुरुष गहरे रंग और ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। कैजोटिया पश्चिम अफ्रीका का सबसे बड़ा बाजार है और यह कुमासी घाना में स्थित है। यहाँ कपड़ों से लेकर जीवित जानवरों तक कई चीज़ें पाई जा सकती हैं। पूरे देश में 40 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। कई घानावासी कई भाषाएं बोलते हैं। अंग्रेजी देश की आधिकारिक भाषा है। काकुम राष्ट्रीय वर्ष वन में 650 और अधिक तितलियां प्रजातियां पाई जाती हैं। घाना में मेल नेशनल पार्क में पक्षी की 250 से अधिक प्रजातियां देखने को मिलती हैं। 1992 में घाना में संवैधानिक और एक बहुदलीय लोकतंत्र सरकार की शुरुआत की गई थी। पूजा की स्वतंत्रता घाना के संविधान द्वारा संरक्षित है और देश के स्कूल के धार्मिक संयुक्त भी सिखाई जाती है। देश के प्रमुख धर्म ईसाई धर्म, स्वदेशी विकास और इस्लाम है। तो फ्रेंड्स, इतना आज का हमारा फैक्ट। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस कर बेल आइकन को। मिलता है अगली वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।